बेटा अब हम करेंगे लास्ट अपना फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एस। फर्स्ट पॉइंट पॉइंट ए है इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। It tells about the direction of spin of electron present in an orbital. It tells about the direction of spin of electron present in an orbital. Second point hai. इलेक्ट्रॉन नॉट ओनली मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस बट ऑल्सो स्पिन्स अबाउट its own axis about its own axis. Third point hai electron in an orbital can spin either in the clockwise or anti-clockwise direction. Four, clockwise spin of electron mein jo s hai wo equal hota hai plus 1/2 ke और इसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बेटा मैं ऐसे दिखाते हैं ठीक है। सेकंड है फोर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। s इक्वल टू माइनस हाफ और ये स्पिन होती है ठीक है। अगला पॉइंट है इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। It also explains the magnetic properties of substance. ठीक है। अगला पॉइंट लिखो बेटा।
हाँ बेटा, अगर ये पेज आपका हो गया तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, मोस्टली बच्चों का हो गया है। चलिए देखिए, अब ये नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद ई पॉइंट। एन ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन। बट विद अपोजिट स्पिन। बेटा ये एक ऑर्बिटल है, इट हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। ये स्पिन कहलाती है क्लॉकवाइज और ये स्पिन कहलाती है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में एस की वैल्यू होती है प्लस वन बाई टू, एंटी क्लॉकवाइज में एस की वैल्यू होती है माइनस वन बाई टू। मतलब टोटल बेटा ये बना प्लस माइनस वन बाई टू। ठीक है, अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, मैग्नेटिक मोमेंट यू। यू आपका जीरो होगा कब? व्हेन टू इलेक्ट्रॉन आर इन अपोजिट स्पिन। When two electrons are in opposite spin, ठीक है? ऐसे बेटा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं डाइमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, डाइमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? जो रिपेल्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और आगे है, इफ टू इलेक्ट्रॉन आर इन सेम स्पिन, अगर दो इलेक्ट्रॉन एक ही स्पिन में है तो क्या होगा? तो उस केस में जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है यू, वो जीरो नहीं होगा और सब्सटेंस होगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड से, अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, कर लो ये। हाँ बेटा, आपका ये हो गया तो प्लीज रेज योर हैंड। अंकित, करुण, रुपेश, अमन, अश्वनी, निधि, आरजू, बरखा, प्रियांशु, रुचि, रिया, प्रिंस,
लास्ट पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम. Spinning electron. Angular momentum of spinning electron, ये formula है under root s into s plus 1 into h by 2 pi. या इसको हम ये लिख सकते हैं under root s into s plus 1 into में h. अब देखो आगे टोटल स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन s इक्वल टू प्लस माइनस हाफ. अब मान लो अगर आपकी स्पिन क्लॉकवाइज है, स्पिन कैसी है क्लॉकवाइज, तो s की वैल्यू क्या होगी, प्लस हाफ होगी. तो ये वैल्यू यहां पुट करो तो अंडर रूट 1/2 × 1/2 प्लस 1 इंटू में क्या हो जाएगा h, ठीक है. और एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में s इक्वल टू माइनस हाफ हो जाएगा. तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1/2 × −1/2 + 1 × h. तो ये आपका टॉपिक पूरा हुआ स्पिन क्वांटम नंबर कर लो आप इसे भी. यहीं तक का आज आपको करना है. फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो न्यूमेरिकल्स का है, और वो टॉपिक हम कल करेंगे. कल हमारा टॉपिक होगा क्वांटम नंबर के न्यूमेरिकल्स का.